तो यहां पर गृहस्थ आश्रम के कुछ मुख्य नियम के बारे में वर्णन है। यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार दिति ने जो समय अपशुकन था, जो समय सही नहीं था, उस समय में जाकर के अपने पति के साथ संभोग किया, और हम आगे देखेंगे उसके फल स्वरूप दो दानवों का जन्म होगा, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष। तो उस विषय में संभोग करने के पश्चात दिति को समझ में आया। अब जब दिति को समझ में आया कि उसने दोषपूर्ण कार्य किया है, गलत कार्य किया है, अब वो शर्म से लज्जित है। शर्म से लज्जित होकर अपने पति के निकट जाती है, और हम लोग जनरली देखते हैं कि जब व्यक्ति शर्म से लज्जित होता है तो उसका मुंह जो है झुक जाता है, सर झुक जाता है और बड़ा विनम्र हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार दिति यहां पर शर्म से लज्जित है, उसका सर झुक गया है और बड़े ही विनम्रता भाव से अब अपने पति से कुछ कह रही है। तो इस विषय में प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद ज्ञान हुआ, अकल का बाई कार्य करने के पश्चात। और इस प्रकार के निंदनीय दोषपूर्ण संभोग पति पत्नी के बीच में भी क्यों ना हो, निंदनीय है, और इसको प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति कहा जाता है। मतलब क्या है, शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझे लाइसेंस मिल गया है, लेकिन ये हमें समझना है। जिस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है। गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में हमें जो है संभोग का लाइसेंस नहीं मिल गया है। अगर हम उस प्रकार से करेंगे तो उसे वेश्यावृत्ति कहा जाएगा। अगर हम लोग वेदों के नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे, भगवान उसको कहते हैं वो मैं हूं, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है वो मैं हूं। मतलब जो संतान प्राप्ति के लिए मात्र संभोग होता है, वो कहते हैं भगवान वो मैं हूं। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग होता है वो अधर्म है। तो ये हमें समझना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का इस भौतिक संसार में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जीव जो है भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक संसार में आ गए। जीव अपने सनातन आनंद को भूल करके इस भौतिक संसार में जो टेम्परेरी, जो अस्थानीय, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस प्रकार के भोग में लगे हुए। अब अगर पिताजी देखते हैं
कि मेरा बेटा मेरा आश्रय छोड़ करके दर दर भटक रहा है, तो पिताजी करुणा के द्वारा अपने बेटे को वापस बुलाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम सत से असत में आ गए हैं, चित्त से ज्ञान से अचित में आ गए हैं, आनंद से निरानंद में आ गए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत सच्चित आनंद स्वरूप है, भौतिक जगत असत अचित निरानंद है। तो भगवान बड़े व्याकुल हैं जीवों को वापस भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। ये भगवान का इस भौतिक संसार में कार्य है और भगवान हर एक युग में उसके लिए आते हैं। संभवामी युगे युगे, और इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं बाकी के जो हम लोगों ने फालतू धर्म बना लिए हैं, ये धर्म वो धर्म, भगवान कहते हैं वो सारे धर्म छोड़ दो, क्योंकि वो सारे धर्म शरीर के धर्म हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, कल मैं अगर हिंदू से मुस्लिम बन गया, आत्मा थोड़ी बदल गई, वो केवल शरीर के वास्ते का है। आज मैं सोच रहा हूं मैं भारतीय हूं, जय हिंद, कल पाकिस्तान में जन्म लूंगा तो मैं बोलूंगा जय पाकिस्तान। तो ये सब आत्मा के धर्म नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। अब लोगों को आश्चर्य होगा, भाई भगवान धर्म त्यागने के लिए बोल रहे, भगवान अधर्म त्यागने के लिए बोले तो अलग बात होती है ना। भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, जितने भी हम लोगों ने इस भौतिक संसार में धर्म बना लिए हैं उन सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। और भगवान कहते हैं माम एकम, केवल, ऐसा नहीं कि मैं भगवान की शरण में भी जाऊंगा, इसकी शरण में भी जाऊंगा, वो भी करूंगा ये भी करूंगा, नहीं, एक्सक्लूसिव सरेंडर भगवान पूछते हैं। तो इसलिए भगवान जो है इस भौतिक संसार में आते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, भगवान का कार्य है भौतिक जीवों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। उस कार्य को करने के लिए भगवान ने वेद शास्त्र हमें दिए। इन वेद शास्त्रों में ये एक प्रकार के, जैसे हम जब डिजीज्ड कंडीशन में होते हैं, जब बीमार अवस्था में हैं, तो मेडिकल साइंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं, हमारे को किस प्रकार की बीमारी है, उस प्रकार की बीमारी के लिए कौन सी दवाई हमें लेनी चाहिए, वो आयुर्वेद की पुस्तकों में डॉक्टरों के द्वारा बताई जाती है, जो प्रमाणिक डॉक्टर है। ठीक इसी प्रकार वेद शास्त्रों में हमें कौन सी बीमारी है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं, बीमारी सबकी एक ही है लेकिन हम अलग अलग अवस्था में हैं। किसी को क्रॉनिक है ना, और कौन सी होती है दूसरी, एक और इंग्लिश में बोलते हैं ना, एक तो क्रॉनिक होती है, एक और जो अभी क्रॉनिक नहीं बनी है कि नहीं, अभी जस्ट जो है फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में, जैसे कैंसर वगैरह हम लोग देखते हैं ना, बोलते हैं कि फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, फाइनल फेज में है। तो ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार की होगी। किसी को क्रॉनिक डिजीज है उसकी दवाइयां अलग होगी, उसकी दवाइयों का डोसेज भी अलग होगा। कोई छोटा बच्चा है उसको बीमारी है, उसका डोसेज बिल्कुल अलग होगा। कोई बड़ा है उसका डोसेज अलग होगा। कोई स्त्री प्रेग्नेंट है
डॉक्टर उसके अनुसार उसे दवाइयां देगा ताकि उसके गर्भ को कोई फर्क ना पड़े, है ना। बीमारी एक होने के बावजूद भी डॉक्टर जो है अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देता है। ठीक इसी प्रकार हमें समझना है, भगवान ने ये सोसाइटी को वर्ण और आश्रमों में क्यों बांटा है, क्योंकि हमारी डिजीज, हमारे सिम्टम अलग अलग है। कोई ज्यादा तमोगुण से प्रभावित है, कोई सत्वगुण से प्रभावित है, कोई रजोगुण से प्रभावित है। तो भगवान ने क्या किया है, पूरी के पूरे समाज को, मानवता को चार वर्णों में, चार आश्रमों में बांट दिया है। ये बड़ी साइंटिफिक डिवीजन है, ये आदमियों के द्वारा बनाई गई डिवीजन्स नहीं है, ये नेचुरल डिवीजन है इस भौतिक संसार में। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, नेचुरली छोटे बच्चे लोग फर्स्ट क्लास में रहते हैं, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ के सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे। सभी स्टैंडर्ड एक ही है क्या? सभी के लिए ओनली टेंथ क्लास बोर्ड का एग्जाम सबको लिखना है? नहीं। तो ये हमें समझना है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, उसके अनुसार भगवान ने चार वर्णों में बांटा है। जिन लोगों को थोड़ी अभी कम डिजीज है, जो सत्व गुण में है, वो भी डिजीज है, वो भी बीमार अवस्था में है, लेकिन उनकी बीमारी अभी थोड़ी कम है, उन्हें जो है ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब क्या हो गया? गुण के अनुसार हो गया और कार्य के अनुसार हो गया। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम, ये चार वर्णों को मैंने बांटा है, इसकी सृष्टि मैंने की है। कैसे की है? गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्म के द्वारा, जन्म के द्वारा। भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहीं पर भी नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा अपने आप डॉक्टर बन जाता है नहीं, इंजीनियर का बेटा अपने आप इंजीनियर हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टरी एक साइंस है, ब्राह्मण का भी ये पद है, ये पोजीशन है, डॉक्टर एक पोजीशन है। कोई भी डॉक्टर बन सकता है अगर वो उस प्रकार की गुण अर्जित कर ले, क्वालिफिकेशन अर्जित कर ले। ठीक इसी प्रकार कोई भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो ब्राह्मण के गुण को अर्जित कर ले। तो ये ब्राह्मण है। बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब क्या है, ये चारों वर्ण अपने गुणों और कर्मों के कारण अलग अलग हैं। उससे क्या होगा, चारों की ड्यूटियां अलग अलग दी गई हैं। ब्राह्मण भी वही कर्म करे, शूद्र भी वही कर्म करे नहीं है, सबके कर्म भी अलग हैं, सबकी ड्यूटीज भी अलग हैं। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का कर्म है। शूद्र का कर्म क्या है? उसका कर्म अलग है। वैश्य का कर्म क्या है? उसका कर्म अलग है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? उसका अलग है। उनके गुणों में भी फर्क है। ब्राह्मण जो है कदाचित कभी भी किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलेगा, वो ब्राह्मण के लक्षण है, हमेशा सत्य पर टिकता है। उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, वैदिक समय में एक उदाहरण है। एक बार एक ऋषि ने
एक शूद्र का, शूद्रानी का बेटा ब्राह्मण बनना चाहता था। उसने जाकर के जो है उन ऋषि के पास में गए और उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माता कौन है। तो उन्होंने कहा ऋषिदेव, मुझे मेरी माता तो पता है कौन है, पर पिताजी कौन है मुझे पता नहीं। ठीक है, मां से पूछ करके बताओ। तो वो बेटा जो है घर गया और मां से पूछा, मां मेरे पिताजी कौन है जरा मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है। तो मां ने कहा बेटा मैं भी क्या करूं, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं वैश्य का काम करती हूं, कितने लोग मेरे पास में आते हैं, तुम्हारे पिताजी एग्जैक्टली कौन है ये मुझे भी पता नहीं। वो बेटा जाकर के गया सीधा ऋषि के पास में और ऋषि से कहा कि मेरी मां को भी पता नहीं, मेरी मां वैश्य का काम करती है, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहती है कौन तुम्हारे पिता है मुझे भी पता नहीं। तो तुरंत उस ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण की ट्रेनिंग दूंगा। क्यों? देखिए, वो झूठ कह सकता था लेकिन उसने जाकर के सत्य कहा। तो ये ब्राह्मण के गुण अलग हैं। वहीं अगर हम लोग देखें, अगर आप दुकानदार हैं, आप वैश्य हैं, आप व्यापार करते हैं, आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे अरे तू मेरा जिगरी दोस्त है इसलिए तेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट है, बिल्कुल बराबर, एक आना भी नहीं कमा रहा हूं। ऐसा करेगा तो कहां से काम चलेगा बोलो, है कि नहीं? लेकिन बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर नहीं बोलेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? बिना पैसा कमाए अगर वो बिजनेस चलाएगा तो बिजनेस उसे बंद करनी पड़ेगी। सब दोस्त ही बोलेंगे कि मैं भी तेरा दोस्त हूं, मैं भी तेरा दोस्त हूं, है कि नहीं? तो वैश्य के लिए वो चलेगा, वो झूठ बोल सकता है। इसी प्रकार भगवान जो है अर्जुन को भी यही बताते हैं कि अर्जुन ये जो चार वर्ण हैं, ऐसा मत सोचो कि ब्राह्मण के कर्म में दोष नहीं है, उसके कर्म में भी दोष है। तुम सोच रहे हो कि ये क्षत्रिय का काम मैंने क्यों ले लिया, इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, भगवान मैं तो संन्यास ले लूंगा। अर्जुन ने यही कहा भगवान से, कहा कि भगवान भिक्षाम, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, वो बेटर धर्म लग रहा है मुझे, यहां तो इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा। तब भगवान समझाते हैं कि सबके कर्म के अंदर में दोष है, किसी में थोड़ा दोष है, किसी में ज्यादा दोष है, लेकिन दोष सबके अंदर में है। ब्राह्मण भी जब आग जलाता है उसके अंदर में भी इतने सारे जीव जाकर के मर जाते हैं, करेक्ट है ना? छोटे छोटे कीड़े आकर के मरते, वो भी दोष है। ब्राह्मण भी खाना खाता है, ब्राह्मण भी पानी पीता है, जब वो पानी पीता है उस पानी के अंदर में इतने सारे माइक्रोब्स हैं, ब्राह्मण को भी कहीं तो चलना पड़ता है, जब वो चल करके जाता है तो चींटियां ये वो जितने छोटे मोटे कीड़े पांव के नीचे आ जाते हैं। किसके कर्म में दोष नहीं है? सबके कर्म के अंदर में दोष है। लेकिन भगवान यही समझाते हैं, हमें जो है अपने कर्म बदलने की जरूरत नहीं है, सबके लिए ट्रीटमेंट है, सबकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग अलग होगी, बस ट्रीटमेंट सबके लिए है। तो ये जो वेद है उसके अंदर में सबके लिए रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। ब्राह्मण के लिए क्या रूल्स हैं, क्षत्रिय के लिए क्या रूल्स हैं, वैश्य के लिए क्या है और शूद्र के लिए क्या है, उनको किन नियमों का पालन करना है सब बताया गया है। ब्राह्मण जो है वो मांस नहीं खा सकता, उसके लिए वो नियम है, लेकिन शूद्र के लिए परमिशन है कि महीने के अंदर में अमावस्या के दिन एक दिन अगर वो चाहे तो खा सकता है नियम के अनुसार। तो दोनों के नियमों में फर्क है और दोनों भी अगर अपने अपने नियमों का पालन करेंगे, दोनों भगवान की तरफ बढ़ेंगे,
दोनों आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं चार आश्रम भी हैं और चारों आश्रमों में अलग अलग नियम दिए गए हैं। पहला आश्रम होता है जिसकी शुरुआत होती है मानव जीवन में सबको उसका आचरण करना चाहिए। सबसे पहला आश्रम होता है 5 साल के बाद इमीडिएटली ब्रह्मचार्य का पालन। सबसे पहले ब्रह्मचार्य 25 साल जो है ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो हमेशा ब्रह्मन में रहता है, लीन रहता है, मतलब उसके दिमाग में जो है मैथुन भाव, सेक्स लाइफ, औरतों के बारे में सोचना, वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है। भगवान कहते हैं जो बाहरी तरीके से अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है लेकिन उसका मन हमेशा अनेकों प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं पर टिका हुआ है, उसे भगवान ब्रह्मचारी नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी से उच्चते, वो मिथ्याचारी कहलाता है। इसी प्रकार सन्यास आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग है, ये ब्रह्मचार्य के हो गए। इसी प्रकार से सन्यास में बताया जाता है कि ओके, ब्रह्मचारी के मन में अगर इस प्रकार के अगर विचार आते हैं और उसको डिस्टर्बेंस है तो गुरु उसको आज्ञा देते हैं कि बेटर तुम गृहस्थ जीवन अपना लो। लेकिन गृहस्थ जीवन अपनाने का मतलब ये नहीं है कि अब लाइसेंस मिल गया है। गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद में गृहस्थ जीवन के रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो क्या है कि अगर हमें संतान उत्पत्ति चाहिए तब मात्र हम लोग जो है पत्नी के साथ संभोग कर सकते हैं, वो भी कृष्णा भावनामृत मति के साथ, जानवरों की तरह नहीं। तो उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो ये आज यहां के श्लोक में बताया गया है, गृहस्थ आश्रम में भी जो है दिति ने जिस प्रकार से उस नियम का पालन नहीं किया, सही प्रकार के समय में सही प्रकार की परिस्थिति, ये सब देखना पड़ता है। इसको जो है क्या बोलते हैं? गर्भदान संस्कार। ये कोई छिपा करके हनीमून जैसा नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना आजकल हनीमून बड़ा फेमस है, ये कुछ हनीमून नहीं होता है। ये सबको बताया जाता है गर्भदान है, इसके लिए अनेकों प्रकार के नियम का पालन किया जाता है। खासकर कृष्णा भावनामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको जो है कम से कम मिनिमम उस दिन अगर हम लोग संभोग करना चाहते तो 64 राउंड्स का चैंटिंग करना चाहिए, ताकि हमारी प्रज्ञा, हमारी कृष्णा भावनामृत हमारे मन के अंदर में रहे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मतलब क्या है? गृहस्थ जीवन के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसी प्रकार से सन्यास के अलग हैं। सन्यास कब लेना चाहिए? जब व्यक्ति के मन के अंदर से ये सारे विचार निकल चुके हैं, अब उसका जो है इन सब चीजों के पीछे कोई रति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, तब वो सन्यास लेता है। सत्यास, सत की प्राप्ति के लिए इन सब चीजों से छुटकारा पा लेता है, उसे सन्यास कहते हैं। सन्यास आश्रम में जाने के बाद में भी अगर वो स्त्री का संभोग करना चाहता है तो उस व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के अनुसार वांतसी कहा जाता है। वांतसी का मतलब होता है जो व्यक्ति जब हम लोग कुछ खा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी उल्टी हो जाती है ना, वॉमिटिंग जिसे बोलते हैं। वॉमिट सब सड़ा हुआ गला हुआ रहता है, जरा सोचिए कोई जाकर के बाद में उसको खाएगा, सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर सन्यासी सन्यास जीवन को छोड़ करके फिर दोबारा स्त्री के पीछे संभोग के लिए भागता है, उसे वांतसी कहा जाता है। मतलब जिसने सब कुछ वॉमिट करने के बाद में
दोबारा उसको खाने का, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। देखिए तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए गए? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, अभ्यासेप्य असमर्थोसि, मतलब दो प्रकार के भगवान ने जो है 12th चैप्टर में दो प्रकार के भगवान की भक्ति के मार्ग बताए गए हैं। एक है जब स्पॉन्टेनियसली राग वृत्ति के द्वारा बिना किसी रुकावट के जब मन भगवान में हमेशा डूबा रहता है उसे राग भक्ति कहते हैं। लेकिन जब हमारा मन इस प्रकार से नहीं है, जब हमारा मन भौतिक संसारिकता में डूबा हुआ है, भोग इंद्रियों में डूबा हुआ है, तब हम जो है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। उदाहरण के तौर पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर, उन्होंने जो है डेली शपथ ली थी कि मैं 300,000 भगवान के नाम का जप करूंगा, वो समाप्त करने के बाद मात्र मैं खाऊंगा पीऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, अन्यथा मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि हरिदास तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम नामाचार्य हो। स्पॉन्टेनियसली वो भगवान के नाम से अटैच है, 24 घंटे वो भगवान के नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर हम सबके लिए कि कितना महत्वपूर्ण है नियम का पालन करना, वो इस भौतिक संसार से मुक्त स्थिति में होकर के भी भगवान की राग भक्ति प्रेम भक्ति में डूबने के बावजूद भी उन्होंने हमें सिखाया कैसे हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा ऐसे उदाहरण भी हैं, माधवेंद्र पुरी, उनके बारे में बताया जाता है, वो कहते हैं कि संध्या वंदनम भोस्नानम, कि मेरे हम लोग जो हैं नियम होते हैं दिन में 3 बार स्नान करना, 3 बार संध्या वंदना करना, है ना, आपने सुना होगा। वो कहते हैं सबको गुड बाय, मुझे अब रोज 3 बार स्नान लेने की भी जरूरत नहीं है, मुझे अब 3 टाइम संध्या वंदनम की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं जहां पर भी बैठता हूं जहां पर भी जाता हूं 24 घंटे भगवान मेरे मन में। तो जब तक हम उस स्थिति तक ना पहुंच जाएं कि 24 आवर्स 24 घंटे हम भगवान को याद कर सकें, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमें माधवेंद्रपुरी नहीं बन जाना है कि कल से स्नान की जरूरत नहीं, प्रभु ने बोल दिया चलो मंगल आरती ऐसे ही चले जाएंगे फिर क्या होगा, हम लोग नींद मारेंगे, है ना। सवेरे स्नान की जरूरत पड़ती है क्योंकि फ्रेशनेस होती है। हम लोग अभी ये 3 गुणों से मुक्त नहीं है, तो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, ये हमें समझना है। हम अभी साधना स्टेज पर है। तो कौन सी दो प्रकार की भक्ति हो गई? एक हो गई विधि भक्ति या साधना भक्ति। विधि का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, गृहस्थ जीवन में कश्यप मुनि है और दिति है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, ये साधना की स्टेज है। जब हम लोग राग स्टेज में रागानुगा जिसे बोलते हैं, उस स्पॉन्टेनियसली हमेशा हमारा मन भगवान में लीन रहता है,
तब हमें जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अभी विधि में क्या होता है, नियम के अनुसार तपस्या के द्वारा करना है। दोनों में देखिए फर्क क्या रहता है, फर्क ये नहीं रहता है कि जब हम लोग रागानुगा में आ गए तब रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब हम लोग मंगल आरती को नहीं आएंगे। क्यों? आप 24 घंटे में बिस्तर में सो करके भी भगवान को याद कर लूंगा, ऐसा नहीं है। तब क्या होगा, रागानुगा स्टेज में व्यक्ति बिस्तर के ऊपर 4 बजे के बाद सो नहीं सकता है कि नहीं मुझे मंगल आरती जाकर के जो है भगवान के दर्शन करने हैं। साधना स्टेज में क्या है, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा नहीं, गुरु की आज्ञा है मुझे जाना ही है, एक प्रकार की फोर्स लगानी पड़ती है, तपस्या लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे शुरुआत में बच्चा स्कूल जाने के लिए बड़ा जो है नाटक करता है, नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वापस भेजोगे तो भाग करके वापस आ जाता है, लेकिन थोड़े समय के पश्चात में उसका जो है मन लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से है, शुरुआत में हमें जो है साधना भक्ति के नियमों का पालन करना है, बाद में धीरे धीरे ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं, अपने आप हम लोग जो है उसका पालन करेंगे। अभी हम लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट देख करके लगता है कि चलो भाई चलेगा, आज एक दिन प्रसाद नहीं मिला तो क्या हुआ, यहां पर होटल है बढ़िया, उधर खा लेंगे, और कह देंगे कि बिना लहसुन प्याज के दे दे भाई है कि नहीं, ठीक है कहीं पर इमरजेंसी है कुछ प्रसाद अवेलेबल नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन प्रसाद अवेलेबल है और फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि होटल में जाकर के खाऊंगा बिना लहसुन प्याज का मिल जाएगा, तो मतलब क्या है कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक प्रकार से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रागानुगा स्टेज में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली भोग खाने का उसका मन बिल्कुल नहीं है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए जो है नेचुरल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमें जो है दोनों में अंतर समझना है। इसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं डूज एंड डोंट्स। कुछ चीजें हमें करनी है, कुछ चीजें हमें नहीं करनी है। सम थिंग्स वी शुड फॉलो, सम थिंग्स वी शुड रिजेक्ट। छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जब हम बीमार हैं डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में 2 चीजें देते हैं, डूज एंड डोंट्स। हमको यही समझना, हम लोग सब बीमार अवस्था में हैं, तो बीमार अवस्था में नियमों का पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल एक डिवोटी से बात कर रहा था, काफी दिन से उसको खांसी है, तो मैं डिवोटी को बता रहा था कि केवल एंटीबायोटिक मात्र लेने से फायदा नहीं है कि मैंने एंटीबायोटिक ले ली हो गया काम, रिलैप्स हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। अगर हम लोग जो डॉक्टर ने कहा है कि भाई तली हुई चीज नहीं खानी है, ठंडी चीज नहीं खानी है, थोड़े समय के बाद में क्या होगी, दोबारा आ जाएगी, फिर दोबारा एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डू भी चाहिए डोंट्स भी चाहिए। दवाई लेनी है, सही प्रकार का भोजन लेना है, पानी अच्छे से पीना है, ये हो गए डूज। डोंट्स में भी डॉक्टर ने बता दिया ये नहीं करना है वो नहीं करना है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कृष्णा भावनामृत में भी डू और डोंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जनरली 4 डोंट्स हैं बस, बहुत ज्यादा नहीं है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डू है, 16 माला का रोज जप करना और 4 जो नियम हैं उनका पालन करना। वो 4 नियम बड़े सरल हैं, थोड़े समय के लिए हमें तपस्या के रूप में लेने हैं, और धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली जब हमारी भगवान में रति बढ़ जाएगी
ये ऑटोमेटिकली हम लोग फॉलो कर सकेंगे, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी ही नहीं रह जाएगी, हमारा मन इस तरफ जाएगा भी नहीं। जैसे मुझे याद है, एक बार मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं कृष्णा भावनामृत में आया तो उससे पहले जो है पिताजी लोग, मेरे फैमिली के लोग बड़े परेशान थे कि ये मेरा बेटा जो है 7 दिन 7 पिक्चर देखता है कि नहीं। तो बड़ा बुला बुला करके जो है समझाते थे कि बेटा क्या है, पढ़ाई भी तो करनी है, रोज एक एक पिक्चर देखने के लिए चला जाता है। और बाद में जब मैं कृष्णा भावनामृत में आया तो सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल ऑटोमेटिकली। तब पिताजी बुला करके, बिठा करके, बुला करके कह रहे कि बेटा कम से कम एक पिक्चर तो देख ले। वीक में एक पिक्चर तो देख ले। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कृष्णा भावनामृत में अगर हमारा मन लग जाता है, जब हमें उच्च स्तर का स्वाद प्राप्त हो जाता है तो निम्न स्तर का स्वाद अपने आप चला जाता है, मन उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो डू और डोंट्स बड़े सरल है, कठिन नहीं है, अगर हम लोग सही प्रकार से भगवान के नाम का जप करेंगे, जो कृष्णा भावनामृत में छोटे मोटे नियम है उसका पालन करेंगे, तो ये जो 4 नियम है उसको पालन करना सरल हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं है। एक और बड़ा, इससे पहले कि हम लोग समाप्त करें, सुंदर उदाहरण जो है रूप गोस्वामी देते हैं। वो कहते हैं भगवान की भक्ति करते समय हमें 6 चीजें ऐसी हैं, अगर हम उसको अपना लेंगे अपने जीवन में तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। प्रसिद्धति, प्रसिद्धति का मतलब होता है बहुत सुंदर प्रकार से आगे बढ़ेगी। और 6 चीजें ऐसी हैं कि अगर इनके साथ हम लोग संग करेंगे तो हमारी भक्ति जो है घटेगी। तो मतलब ये क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। कैसे बताते हैं, वो कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, उत्साह। भगवान की भक्ति में हम लोग जो भी कार्य करते हैं बड़े ही उत्साह के साथ करना चाहिए। उत्साह के साथ करने का मतलब भी हमें समझना है। अब उत्साह का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं एक हाथ से और एक हाथ से जपमाला लेकर के बैठे हुए हैं, इतना उत्साह हमें नहीं दिखाना है। कई बार भक्त लोगों को मैंने देखा है कीर्तन चल रहा है बड़े जोर से और वो जपमाला करे जा रहे हैं, ये उत्साह इस प्रकार का उत्साह नहीं। क्लास चली जा रही है, प्रवचन चले जा रहा है और वो जपमाला में भगवान के नाम का चैंटिंग करे जा रहे हैं, ये उत्साह का मतलब नहीं होता है। उत्साह का मतलब होता है जो भी भगवान की भक्ति का अंग है उस अंग को उत्साह के साथ करना है। अगर कीर्तन चल रहा है पूरा मन लगा करके भगवान के कीर्तन में आनंद के साथ भाग लेना है। शरीर हम लोग जो है कीर्तन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मन हमारा इधर उधर घूम रहा है, वो कीर्तन का मतलब नहीं है। पूरे मन के साथ में, तन के साथ में हमें जो है उत्साह के साथ, उत्साह कहां से आता है, मन से आता है, उसके साथ में हमें जो है भगवान की भक्ति में भाग लेना है। चैंटिंग के समय में उसमें उत्साह लेना है, उस समय हमें सोचना है कि बाहरी चीजों के कोई लेना देना नहीं है। भागवत कथा के समय में कथा सुननी है,
उसमें हमें इंटरेस्ट लेना है। उस समय मैं सोचू नहीं मेरा 16 माला नहीं हुआ, अभी चैंटिंग दोनों काम कर लेता हूं एक साथ, चैंटिंग भी कर लूंगा क्लास भी थोड़ा थोड़ा सुन लूंगा, दोनों का फायदा नहीं मिलने वाला है। जप के समय में सही प्रकार से जप करो, भगवान की कथा के समय में श्रवण करो, सही प्रकार से भगवान की कथा मन लगा करके सुनो, तो इसे कहते हैं उत्साह। निश्चय का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन। मतलब क्या होता है? हमने उत्साह के साथ में कार्य तो कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति में माया अनेकों प्रकार के ऑब्स्टेकल डालेगी, अनेकों प्रकार से हमारी भक्ति में बाधा आ सकती है। उन बाधाओं से घबरा करके हम लोगों को भक्ति छोड़ नहीं देनी है, निश्चय के साथ में हमें भगवान की भक्ति करनी है, डिटर्मिनेशन के साथ में करनी है। ध्रुवा महाराज ने जिस प्रकार से निश्चय के साथ में भगवान की भक्ति की और 6 महीने के अंदर में साक्षात भगवान के दर्शन किए, उस प्रकार से निश्चय के साथ में भगवान की भक्ति करनी। ठीक है, मैंने उत्साह के साथ में भक्ति की, डिटर्मिनेशन भी किया, लेकिन समय बहुत लग रहा है, अब मेरे में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस चला गया। कई बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग जो है कुछ समय के पश्चात में भक्ति छोड़ करके चले जाते हैं, इंटरेस्ट चला गया बोलते हैं। नहीं, पेशेंस, धैर्य चाहिए। धैर्य का उदाहरण प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुंदर सा उदाहरण देते हैं। अगर पति पोटेंट है, पत्नी पोटेंट है, प्रेगनेंसी जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि दोनों में पोटेंसी है। लेकिन धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। पत्नी बोले कि अब तो हमारी शादी हो गई और अब सब कुछ हो गया, अब मुझे जो है कल ही बच्चा चाहिए। नहीं, पेशेंस, 9 महीने तो लगेंगे, 9 महीने बच्चे को गर्भ में पालना पड़ेगा, बाद में जाकर के जो संतान की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में, अगर भक्ति में पोटेंसी है और हम लोग सही प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कृष्णा भक्ति हमारे हृदय के अंदर में जागृत होगी। लेकिन पेशेंस की जरूरत है। हम लोग इस भौतिक संसार में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, टाइम लगेगा। स्विच ऑफ अगर आप फैन को कर देते हैं, फिर भी मोमेंटम तो रहता है, लेकिन हमें धैर्य रहना चाहिए, बंद होगा। ठीक है, पहले जोर से घूम रहा था, अभी धीरे धीरे घूम रहा है, धीरे धीरे घूम के बंद होगा। ये पेशेंस हमें रहना चाहिए, धैर्य रहना है। उत्साह निश्चय धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। और जो भी कृष्णा भावनामृत में हमें कार्य दिया गया है, वो हमें कार्य करना चाहिए, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् का मतलब होता है, जो हमारा कार्य है कृष्णा भक्ति में वो करना चाहिए, दूसरों का कार्य नहीं करना चाहिए। अर्जुन की गलती यही थी, अर्जुन अपना काम छोड़ करके सन्यासी का काम करना चाहते थे, ये भगवान ने नहीं कहा है। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो हमें कृष्णा भावनामृत में ड्यूटी दी गई है वो हमें करनी है। खासकर डिवोटी लोग जनरली कई बार क्या हो जाता है, इन सब चीजों से हमें सावधान रहना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। अपना काम छोड़ करके बाकी सबका काम हम लोग करते हैं। श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय। कई बार ऐसा होता है, हमें जो ड्यूटी दी गई है उसको छोड़ करके बाकी सब लोगों की ड्यूटी हम लोग जो है अदा करना चाहते हैं। उसके लिए प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, करेक्ट है ना? क्या उदाहरण देते हैं, एक बार एक बंदर था, एक लकड़हारा रोज लकड़ी काट के जाता था, और आपको पता है ना, बड़ी बड़ी लकड़ी को काटने के बाद में वो उसमें एक छोटा सा प्लग डाल देता था, लकड़ी का ही प्लग डाल देता था, क्योंकि काटने के बाद में उसे दोबारा काटना है ना। ये मान लो ऐसा काटा है तो ये अभी छेद हो गया,
अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को निकाल लेता है तो दोबारा जुड़ने का जो है वो प्रयास होता है फोर्स के द्वारा, उसमें वो प्लग डाल देता है, अगले दिन आकर के दोबारा अपना काम शुरू करता है। एक बार क्या हुआ, एक बंदर ये रोज देखता था कि ये आकर के जो लकड़हारा आता है, लकड़ी काटता है, उसमें प्लग डाल के जाता है। तो उसने सोचा मैं भी जरा देखूं ये क्या चीज है। तो उसने क्या किया, अपने हाथ से जो है, हाथ और पूंछ के द्वारा वो प्लग निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो प्लग निकाला, उसका हाथ बेचारा वहां पे पिचक गया। तो प्रभुपाद बोलते ये होगा, दूसरे का काम हम लोग करने के लिए जाएंगे तो ये प्रॉब्लम। हमारा जो कर्म है, हमें जो ड्यूटी दी गई है वो हमें करनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खासकर दूसरे लोगों के कार्यों के अंदर में हम लोग गलतियां बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, और ये एक्चुअली कार्य हमारा नहीं है। ये सबसे बड़ी बाधा है भगवान की भक्ति में। गुरु जो होता है, या गुरु जिसको ऑथराइज करता है, अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, उनका तो वो कार्य है। उनको अगर पिताजी बच्चे को करेक्ट नहीं करेगा तो फिर बच्चा कैसे करेक्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा आकर के करेक्शन करेगा, नो, वो पिताजी का काम है। पिताजी भी अपने बच्चे को करेक्ट करेगा, कोई गली का बच्चा कोई घूम रहा है, कुछ गलती कर रहा है, वो थोड़ी उसके पास में जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें समझना है, ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, ये सही नहीं है, ये काम तुमने ठीक से नहीं किया, ये दीप की बत्ती तुमने ठीक से नहीं बनाई, ये सब काम हमारा नहीं है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं भगवान का भक्त दूसरे के सेवाओं में केवल अच्छाइयां देखता है, बुराइयां नहीं देखता है। जो बुराई देखता है वो मक्खी के समान है, जो अच्छाइयां देखता है वो मधुमक्खी है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनसे हमें सीखना है। मधुमक्खी जो होती है हमेशा अच्छी जगह पर जाकर के बैठेगी, जहां पर बढ़िया फूल है, जहां पर गुड़ है, मीठा है, जहां पर हनी है। और जो घर की मक्खी होती है सब गंदगियों में जाकर के बैठती है, कीचड़ पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, सब जगह जाकर के बैठती है। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन सब में बुराइयां देखता है, तुम्हारा ये सही नहीं है, तुम्हारा ये सही नहीं है, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, उसकी मेंटालिटी मक्खी के बराबर है। ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहें तो बेटर है। तत् तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागो, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में भी तमोगुण के अंदर में भगवान की भक्ति करने में लगे हैं, रजोगुण में भगवान की भक्ति करने में लगे हैं, उन लोगों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। दूर से नमस्कार करना है हमारे मन के अंदर में, भगवान का नाम जप कर रहा है, वेरी गुड, बढ़िया है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है। संग त्यागो सतो वृत्ते, और हमें जो है हमेशा सत्संग लेना है। ये छह चीजें अगर हम लोग करेंगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, छह चीजें ऐसी है वो कहते हैं अगर हम लोग करेंगे हमारी भक्ति घटेगी। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना भौतिक संसार में, जरूरत से ज्यादा कमा करके भगवान की भक्ति में दे तो दूसरा बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपनी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए रखना, यह भगवान की भक्ति में बड़ी बाधा है। प्रयासश्च, ऐसा प्रयास करना जो बड़ा मुश्किल है भौतिक संसार में। अगर मैं सोचूं कि मुझे भी टाटा बिरला बनना है, रोज अच्छे से एंडेवर करूंगा, भगवान की भक्ति का प्रयास छोड़ करके हम लोग फालतू की चीजों में प्रयास करेंगे, वो भी भगवान की भक्ति में घाटा है। प्रजल्पा, और ये सबसे बड़ा घाटा है, हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है।
समय का मूल्य हमें समझना है। ऑलरेडी हम सब लोगों की उम्र हो चुकी है, कब काल आ जाएगा, कब हम लोग इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, हमें समझना है। समय का सदुपयोग करना है। जहां बैठ गए वहां हम लोग ग्राम्य कथा शुरू कर देते हैं, जहां बैठ गए वहां क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, ये भगवान की भक्ति नहीं है। हम लोग देखते हैं नैमिषारण्य में जब भक्त लोग आकर के साथ में बैठते हैं, क्या करते हैं, हजारों साल तक भगवत कथा सुनते हैं। तो हमें समझना है हम भगवत कथा कृष्ण कथा सुन रहे हैं या ग्राम्य कथा कह रहे हैं, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली भगवान की भक्ति करते समय भी भक्त लोग बैठ गए आपस में, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, हाथों से काम चल रहा है, मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, मन ग्राम्य कथा में लगा हुआ है, उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण है। देखिए प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें भगवान की भक्ति में समझनी है। तो ग्राम्य कथा ये प्रजल्प जो है ये भगवान की भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रजल्प नियम अग्रह, नियम का पालन तो कर रहे हैं लेकिन नियम का पालन करते करते भूल गए किस लिए उस नियम का पालन कर रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। जनसंगस्य भौतिकतावाद, लोगों का संग करना, तो क्या होगा, जो हम लोगों ने भक्ति आगे बढ़ाई है वो सब चली जाएगी। लौल्यमश्च और भौतिक चीजों के लिए लालच करना, ये छह चीजों के द्वारा भगवान की भक्ति घट जाएगी। तो अगर हम लोग इन सब चीजों का पालन करेंगे, कुछ जो हमें बताए गए हैं डूज कुछ डोंट्स, तो हम लोग जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो आज के जो है श्लोक में यही बताया गया है कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी हमें जो है समझना है अलग प्रकार के जो नियम हैं, जो भी हमारी गृहस्थ आश्रम के नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनका अगर हम लोग पालन करेंगे तो हमें कोई संकोच नहीं रहना चाहिए कि मैं सन्यासी से कम हूं, मैं ब्रह्मचारी से कम हूं। ये बाहरी ड्रेस उसके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जो है केवल ये मात्र देखता है हम अपना समय, हम अपनी शक्ति, उसका इस्तेमाल, उसका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जिस भी आश्रम में हम लोग हैं उसके नियमों का पालन करके अगर हम लोग अपने समय और अपनी शक्ति का भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भगवान की भक्ति में जरूर। इसके साथ समाप्त करेंगे, तो समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।